सो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। होप करता हूँ सबके घर में सब ठीक हो। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस, और स्वागत है आपका क्रिएटो लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज के एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिव्यू लैब के अंदर, और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ सोनी प्लेस्टेशन 5 और सोनी PS5 को। और यही नहीं, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अप्रैल 2021 में तुम सोनी PS5 कहां से खरीद सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बिल्कुल, इस एपिसोड में मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर करूंगा कि कहां से मैंने ये प्लेस्टेशन 5 परचेज किया है, कितने का परचेज किया और क्या ये स्टिल अवेलेबल है कि नहीं। पर उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। और रिक्वेस्ट है कि अगर ये पूरा एपिसोड तुम देखो तो लाइक ज़रूर कर देना भाई एपिसोड को, वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। सब्सक्राइब बिना किए मत जाना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियो के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। उससे पहले एंजॉय कर लो ये इंट्रो। तो जैसा कि हमारे सामने ये बॉक्स रखा है बड़ा प्यारा सा वाइट कलर का, इसको करते हैं हम लोग अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर। तो इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अलग है PS4 के बॉक्स से। तो जल्दी जल्दी इसको मैं अनबॉक्स करके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 825GB रोम आपको इसमें देखने को मिलती है, 16GB DDR6 रैम, भाई फाड़, मतलब ब्लैक एंड वाइट थीम में इस बार जो है PS5 हमें देखने को मिलता है। और डिज़ाइन भी बहुत अलग है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है। साथ ही साथ जो ये है वेरिएंट, ये इंपोर्टेड वेरिएंट है, मेरे पास इंपोर्टेड जो है पीस है। और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिया बताने को, इसलिए हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग। और जैसे ही आप अनबॉक्स करेंगे, सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि रहा ये। तो पहले हम लोग देखेंगे बॉक्स के कॉन्टेंट क्या क्या है, उसके बाद करेंगे PS5 को अनबॉक्स। तो यहाँ ये जो बॉक्स है, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें मेरे ख्याल से एसेसरीज और ड्यूअल सेंस होगा, तो इसे हम लोग रखते हैं साइड में। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये PS5 हमारे सामने रखा हुआ है, इसको भी हम लोग रख देते हैं साइड में। और सबसे पहले देखते हैं कि जो छोटा बॉक्स था उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। सो यहाँ जो वाइट कलर का बॉक्स था उसे मैं आपके सामने रखता हूँ, और जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ड्यूअल सेंस कंट्रोलर, जो कि ड्यूअल शॉक 4 से बिल्कुल अलग है डिज़ाइन में भी और साथ ही फीचर वाइज भी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, जिसके कारण आपको ग्रिपिंग बहुत अच्छी मिल जाती है गेम्स खेलते समय। फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप सी कनेक्टिविटी और माइक म्यूट अनम्यूट के लिए डेडिकेटेड बटन, साथ ही साथ 3.5mm जैक के साथ चार्जिंग पिन्स आप देख सकते हैं, जो कि आपको तब यूज़ आएंगी जब आप चार्जिंग स्टेशन यूज़ करेंगे। बाकी कंटेंट्स की बात करें तो US स्टाइल पावर कॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद अगर और चीज़ हम लोग देखें तो यहाँ कुछ मैनुअल्स हमें देखने को मिलते हैं, पेपर वर्क्स जो कि चाइनीज़ में है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी। और उसके बाद ड्यूअल सेंस को चार्ज करने के लिए टाइप ए टू टाइप सी कॉर्ड यहाँ आपको देखने को मिलती है। इसी बॉक्स के दूसरे कंपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपको एक बेस देखने को मिलता है, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है सोनी ने निकाला है। इस पे आप अपने प्लेस्टेशन 5 को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करके रख सकते हैं। तो ये इस टाइप से आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, या आप नीचे स्क्रू देख सकते हैं जो आप बेस में अटैच करेंगे तो वर्टिकली आपका प्लेस्टेशन जो है वर्टिकली आप प्लेस कर सकते हैं बहुत इजीली। और वो चीज़ मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा क्योंकि वर्टिकली हम लोग प्लेस करेंगे। और यहाँ लास्ट जो चीज़ हमारे पास बची है HDMI टू HDMI केबल, जो कि आपको यूज़ करनी है अपने TV या अपने स्क्रीन के साथ। सो, ये तो हो गई सारी बॉक्स की एसेसरीज की बातें, और अब आती है मेन चीज़ जो कि है हमारा PS5 कॉन्सोल। तो जी हाँ, बिल्कुल स्क्रैचलेस एकदम नया पीस हमारे सामने, बहुत ही तगड़ा लग रहा है भाई। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है आफ्टर मार्केट जो स्टिकर्स आते हैं वो खरीद सकते हैं, और ज़रूर खरीदना चाहिए आपको क्योंकि बहुत जल्दी स्क्रैच लेता है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि इंडियन स्टाइल में भी इन्होंने पावर कॉर्ड हमें प्रोवाइड किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि US पावर केबल के साथ आपको इंडियन स्टाइल में भी पावर केबल देखने को यहाँ पे मिलती है।
और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया कि जो इसका सेंटर वाला पैनल है वो ग्लॉसी फिनिश में दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आप कस्टम स्किन जो है परचेज कर सकते हैं। केप्स इंडिया से मैंने इसे परचेज किया है, जैसे आप देख रहे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये स्टिक होने के बाद कैसा लगेगा। अब बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो फ्रंट साइड में आप यहाँ देख सकते हैं टाइप ए और टाइप सी पोर्ट जो है यहाँ हमें दिया हुआ है, साथ ही पावर ऑन ऑफ और सीडी इजेक्ट बटन हमें देखने को मिलता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो दो सुपर स्पीड टाइप ए पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, लैन कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिलती है, साथ ही साथ HDMI पोर्ट यहाँ दिया हुआ है और पावर कनेक्टिविटी के लिए भी पोर्ट यहाँ आपको देखने को मिलता है। और अगर अब हम बात करें दोनों प्लेट्स की, जो वाइट प्लेट्स हैं उस पर इनर साइड में जो है इस टाइप का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने ड्यूअल सेंस में देखा था। अब बात करते हैं इनिशियल सेटअप की। और मैंने आपसे कहा था कि इसे हम लोग वर्टिकली अलाइन करेंगे, तो बेस में जो है इस टाइप से आपको एक छोटा सा कवर देखने को मिलेगा जिसे आपको संभाल के रखना है फ्यूचर के लिए, तो इसे हम लोग निकाल के रख देते हैं साइड में। और इसी में जो है आपका स्क्रू इंस्टॉल होगा, तो यहाँ बेस को आपको दोनों साइड से पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और यहाँ ये देख सकते हैं आप स्क्रू छोटा सा इसमें दिया हुआ है, तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। और इसे इंस्टॉल भी अगर आपको करना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं कॉइन की मदद से। पर यहाँ मैं कॉइन यूज़ ना करके यूज़ करने वाला हूँ अपना जो मेरा मल्टीपर्पज़ टूल है उसे। सो इसे हम लोगों को बेस में इस टाइप से रखना है और इसे फिर दोबारा रोटेट नहीं करना है, ये इसी पोजिशन में रहेगा। और यहाँ आपको जो है अपना स्क्रू फिट करना है, तो ये रहा हमारा स्क्रू। इसे हम लोग इस तरीके से फिट करेंगे, थोड़ा सा जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जो हमारा मल्टीपर्पज़ टूल है ये, इसकी मदद से हम इसे टाइट कर देंगे, तो ये जो है आपका बेस इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और आप अपने PS5 को वर्टिकली जो है प्लेस कर सकते हैं अपने टेबल पे। और यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि अच्छे से जो है बेस कनेक्ट हो गया है कि नहीं। तो बेस बढ़िया कनेक्ट हो चुका है, क्रॉस चेक कर लें स्क्रू अच्छे से टाइट हुआ है कि नहीं, और धीरे से इसे जो है उठा के अपनी सही पोजीशन पे प्लेस कर लें। बहुत हैवी है कि PS4 के कंपैरिजन में, तो ध्यान से आपको उठाना है। और अब आपको सारे केबल्स कनेक्ट करने हैं, HDMI केबल, पावर केबल और साथ ही साथ रिमोट कंट्रोलर जो ड्यूअल सेंस कंट्रोलर है उसे भी आपको कनेक्ट करना है सामने के पोर्ट में। पीछे के पोर्ट में भी कर सकते हैं पर सामने ही रिकमेंड करूँगा। और अब जैसे ही आप PS5 ऑन करेंगे तो इस टाइप की एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट टाइम ही देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जैसा आपने PS4 में सेटअप किया होगा उसी से मिलते जुलते कुछ यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी। ये इंक्लूड करने का मेरा रीज़न ये था, ये जो फुटेज इंक्लूड की है, कि आप UI देख लें कि किस टाइप की UI आपको देखने को मिलती है। सो यहाँ जब फाइनल सेटअप हो जाएगा, सारी चीज़ें हम लोग सेट कर लेंगे, तो उसके बाद कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगे, उसमें PS5 आपको रीस्टार्ट करने को बोलेगा, तो घबराइएगा नहीं, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अपना PS5। कुछ आपको जो है प्राइवेसी सेटिंग्स जो है अपने हिसाब से इसमें मैन्युअली या ऑटोमेटिक सेटिंग्स जो है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें पर्सनलाइजेशन वगैरह आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आएंगे फाइनल जो UI है उसका, उस पर। और 2-step वेरिफिकेशन भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है अपने अकाउंट को सेव करने के लिए। और मैनुअल ऐप्स भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं या उसे जो है डिनाई भी कर सकते हैं, बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये रहा जो UI है उसकी मैं बात करूँ, बहुत अलग PS4 से। और गेमिंग एक्सपीरियंस की अब मैं बात करता हूँ तो बहुत शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस भाई, मतलब एक तो ड्यूअल सेंस कंट्रोलर हैप्टिक फीडबैक के साथ, तो वो चीज़ अलग। और साथ ही साथ ग्राफिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करके, इवन ये जो मैं माइल्स मोरेलस अभी खेल रहा हूँ, बट साथ ही साथ मैंने जो पुराना वाला स्पाइडरमैन है वो भी इस पे प्ले करके देखा, तो यार मतलब उसके ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा PS4 से। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं जैसे कि जो भी चीज़ें, जो भी मोमेंट्स हो रहे हैं वो आपको हैप्टिक फीडबैक के थ्रू जो है फील होंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑसम एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलने वाला है इस बार PS5 में। और यहाँ 8K गेमिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपके पास 8K टेलीविज़न है तो। और मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ बता दूं कि ये जो मॉनिटर पे, जिस मॉनिटर में मैं प्ले कर रहा हूँ इस गेम को, वो 60Hz 1080p मॉनिटर है। जी हाँ, वो कोई 4K या 8K मॉनिटर नहीं है और HDR सपोर्ट भी नहीं है। उसके बाद भी आप ग्राफिक्स का लेवल जो है यहाँ देख सकते हैं, तो ऑसम गेमिंग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। तो ये तो होगी PlayStation 5 के बारे में सारी बातें। और अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या प्राइसिंग है इंडिया में PS5 की, या कितने का मैंने परचेज़ किया।
और कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं इंडिया में ऑफिशियल प्राइस जो अनाउंस हुआ है वो आपको बता दूँ। सोनी की तरफ से 49,990 जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट के लिए है या ब्लू रे एडिशन के लिए है, और 39,990 जो है डिजिटल एडिशन का प्राइस सोनी ने जो है अनाउंस किया है प्लेस्टेशन 5 का। तो ये तो हो गई ऑफिशियल प्राइसिंग की बात। और स्टॉक को लेके अगर मैं बात करूँ तो अभी सोनी इंडिया या सोनी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है इंडिया को लेकर कि कब स्टॉक जो है आएगा वापस, कब रीस्टॉक होगा। फर्स्ट वेव आके चली गई जनवरी में, बहुत से लोग परचेस नहीं कर पाए, मैक्सिमम लोग मुश्किल से 1-2% लोगों ने परचेस किया होगा। और मैं आपको बता दूं बहुत लिमिटेड स्टॉक आया था उस टाइम पे, और यकीन मानिए अभी भी बहुत से लोग मेल कर रहे हैं, सोनी को ट्वीट कर रहे हैं, पर सोनी की तरफ से स्टिल कोई रिप्लाई नहीं है कि कब रीस्टॉक होगा PS5। पर अगर मैं बात करूं फैन बॉयज की, पर अगर मैं बात करूं मेरी या आपकी जो बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं PS5 को लेके, एकदम पागल हैं, तो जी हाँ, आप इसे ग्रैब कर सकते हैं अभी इसी वक्त अप्रैल 2021 में एट अ प्राइस ऑफ 69,999। और तुम मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलो, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इम्पोर्टेड पीस का प्राइस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस पे 1 ईयर सेलर वारंटी भी तुम्हें मिलेगी, और जेन्युइन जगह जहाँ से तुम्हें ख़रीदना है उसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ कि कहाँ क्या सर्च करना है और कैसे ख़रीदना है। तो बिना वक्त ज़ाया किए तुम्हें जाना है गूगल पे या अपने एड्रेस बार पे और टाइप करना है hgworld.in, दैट इज़ हैप्पी गेमिंग वर्ल्ड। और आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो इस टाइप का होम पेज खुल जाएगा, सामने ही PS5 एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ गेमिंग आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है आपको और डायरेक्ट आप PS5 के इस पेज पे आ जाएंगे, PS5 प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टैंडर्ड वेरिएंट है, इंपोर्टेड पीस है, और प्राइस जो है 68,500 यहाँ मेंशन किया हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। और अभी इसका प्राइस जो है मैंने आपको बता दिया है 69,990 है। और यहाँ इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप एडवांस 5,000 पे करके इसे ग्रैब कर सकते हैं या फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। साथ ही साथ 1 ईयर सेलर वारंटी यहाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखी है, जो कि आपको बिल्कुल मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो भाई सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ऑसम है। ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ जिन्होंने प्रोडक्ट लिया और ख़राब होने पर उन्होंने रिप्लेस भी किया। सबसे अच्छी बात, बहुत सारे स्टोर्स इनके अवेलेबल हैं। और यहाँ मैं तुम्हें चेकआउट करके बता देता हूँ कि एडवांस पेमेंट अगर आप करते हैं 5,000 का, तो इस टाइप से चेकआउट करके आप रेस्ट ऑफ द पेमेंट इन्हें कर सकते हैं जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके तुम अपना PS5 जो है ग्रैब कर सकते हो। उससे पहले दो ज़रूरी चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये 68,000-70,000 जो भी प्राइस अभी चल रहा है वो फ्लक्चुएट होगा स्टॉक के हिसाब से, तो बाद में ये तुम बोलना मत कि इसको इतने कम में मिला, उसको इतने ज़्यादा में मिला। तो ये चीज़ जो है सब्जेक्टेड टू स्टॉक है। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा भाई यही PS5 लेने के लिए। जब भी सोनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा PS5 को लेके, तो तुम परचेस कर सकते हो इंडियन वेरिएंट भी, और हैप्पी गेमिंग वर्ल्ड पे भी इंडियन वेरिएंट जो है उस टाइम अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि बाकी वेरिएंट्स अभी मिल रहे हैं PS4 वगैरह के या दूसरे गेमिंग कॉन्सोल्स के। और अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि क्या ये PS5 तुम्हें लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए या नहीं। तो इट्स अ येस फ्रॉम माई साइड, बट कंडीशन ये है कि अगर इतना तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, इम्पोर्टेड पीस लेना चाहते हो और ऑब्सेस्ड हो या बहुत पागल हो, क्रेजी हो PS5 के लिए, तो बिल्कुल ये PS5 तुम ग्रैब कर सकते हो। इसी के साथ ख़त्म होता है ये एपिसोड, और अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहें। और जाओ यार, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ 10,000 फॉलोअर्स अगर पूरे हो जाते हैं और यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर हो जाते हैं तो मैं करूँगा एक बहुत बढ़िया गिव अवे। तो इंतज़ार करो और करो यार, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मुझे पता है तुम लोग बड़े आसानी से कर दोगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का इस एपिसोड को देखने के लिए। प्रिंस साइनिंग ऑफ।